हाय गाइस, जैसे कि हम लोग पहले बात किया था, एक डीबी में वायर खींचा गया था लेकिन ड्रेसिंग कंप्लीट नहीं था, तो उसका वीडियो मैं आप लोग का सेंड किया था। लेकिन आप लोग का कमेंट्स था कि कंप्लीट डीबी हमको ड्रेसिंग कैसा होता है और कैसे ड्रेसिंग होने के बाद कैसे दिखता है उसका हमको वीडियो अपलोड करने के लिए। सही है, तो आज ये डीबी हमारा काम हो चुका है। अभी देखिए, ये नीचे से ऊपर तक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये जो डीबी है ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट ड्रेसिंग हो चुका है। सही है, आप लोग देख सकता है जो डीबी का अंदर पाइप का थ्रू जो वायर आना है वो आ गया है, और डीबी से जो मेन इनकमर है RYB, जो ये है हमारा RYB 3 फेज प्लस न्यूट्रल। सही है, ये मेन इनकमर है। ये 10 स्क्वायर का फोर कोर 10 MM का एक केबल है। सही है, आर्मर केबल, इसका इधर आउटगोइंग से सीधा ELC में जाता है। 1 2 3 4 5 ELC में हमारा जाता है। सही है, 6 में जाता है, इधर 6 ELC भी है लेकिन हमारा जो 5 है हमारा यूजिंग में हो रहा है। तो ये देखिए, एक एक ELC जो है उसको सेक्शन बोला जाता है। ये मेन इनकमर है, उसके बाद हमारा आता है ELC भी। सही है, ELC भी का बाद उसका आउटपुट जाता है हमारा सिंगल पोल MCB के साथ। सही है, ये एक देखिए, यहाँ से यहाँ जो एक बस बार है ये सब MCB उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आउटपुट में जो हमारा फील्ड में जो जहाँ से हमारा सर्किट पॉइंट है, जो भी हमारा यूज होगा डिवाइस का, उसका पॉइंट से इधर आया है डायरेक्ट। सही है, हर MCB में एक एक आया है, आप लोग देख सकते हैं नंबर वाइज R1 Y1 B1 ऐसे लिखा है। तो ऐसा ये सेक्शन 1 का इतना MCB है, ये सेक्शन 1 के लिए। सही है, और इसमें क्या होता है, ये ELCB का जो सेक्शन है उसी में ही इसका फेज आना चाहिए, न्यूट्रल आना चाहिए, प्लस अर्थ भी आना चाहिए। सही है, अब अर्थ तो कॉमन हो गया, हमारा अर्थ एक ही बार में है, आप लोग देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक जो है अर्थ के लिए कॉमन है, कोई भी अर्थ कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सीरियल में ड्रेसिंग करने के टाइम सीरियल में लगाएगा तो दिखने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए वायर कैसे ड्रेसिंग किया है, बराबर उसका साथ में फोल्ड करके एक्स्ट्रा वायर भी यहाँ रखा गया है कि बीच में कुछ कब जरूरत होगा तो इसके लिए अच्छा से उसको टाइट ड्रेसिंग करके, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से फोल्ड करके यहाँ रखा गया है, और ऐसे डीबी का जो वायर है उसको ऐसे फोल्ड करके ये टर्मिनल में सब कनेक्शन है। सही है, ये अर्थ हो गया, और जो न्यूट्रल है ये सेक्शन वाइज होगा, जैसे ये कि ELCB इधर एक है तो ये सेक्शन 1 होगा। सही है, तो सेक्शन 1 का जो MCB है फेज है वो यहाँ है, और उसका देखिए वायर कैसे सीधा सीधा आके अच्छा से फोल्ड होके बेंड होके ड्रेसिंग हुआ है, जैसे उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कभी नहीं करने का, डीबी रिजेक्ट हो जाता है, अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए ड्रेसिंग होके। तो ये हमारा सेक्शन 1 का ELCB है, MCB है, और उसका जो चैनल है ये सेक्शन 1 का, इधर 1 लिखा है। ये जो न्यूट्रल है ये मोटा वाला केबल दिख रहा है आपको, ये यहाँ से गया है। सही है, ये 1 है, ये 1 से यहाँ, मतलब सेक्शन 2 का कोई भी न्यूट्रल हमारा सेक्शन 1 में नहीं आने का। सेक्शन 2 का न्यूट्रल सेक्शन 1 में आ गया या दूसरा सेक्शन में सेक्शन 3 में चला गया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ट्रिप होगा। तो जो सेक्शन है वही सेक्शन वाइज उसको ड्रेसिंग करना है। नया नया इलेक्ट्रिशियन लोग गलत करता है, जब न्यूट्रल एक ही कलर होता है उसमें वो गड़बड़ करके कोई सेक्शन 1 का 2 में, कोई सेक्शन 2 का 3 में ऐसा कनेक्शन कर देता है, जिस वजह से हमारा डीबी ट्रिप करता है। सही है, तो नया इलेक्ट्रिशियन लोग को ज़्यादा ध्यान दे के देखिए, आपको डीबी का ऊपर भी इंटरव्यू आ सकता है, डीबी ड्रेसिंग कैसे होता है और उसमें क्या क्या करा जाता है वो आपको पूछा जाएगा। तो इधर देख लीजिए, मैं लाइव डीबी आपको दिखा रहा हूँ। ये सेक्शन 1 का जो हो गया उसका न्यूट्रल ये बार का अंदर रहेगा। देखिए सेक्शन 1 के लिए सेपरेट बार है, सेक्शन 2 के लिए भी सेपरेट बार है, सेक्शन 3 के लिए भी सेपरेट बार है। सही है, और सेक्शन 4 के लिए भी हमारा सेपरेट बार है। तो मतलब इधर हमारा 4 ELCB का जो आउटपुट है यहाँ से जा रहा है सबका न्यूट्रल, तो इसमें हमारा 4 ELCB 1 2 और ये खाली है, ये यूज नहीं है। देखिए इसका आउटपुट इनपुट खाली है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है स्पेयर के लिए, और इसके बाद ये 2 है, 3 4, ये तो डायरेक्ट जा रहा है कि दूसरा के लिए टेम्पररी उसको लगा कर रखा है लाइन न्यूट्रल। लेकिन इधर जो है हमारा लाइन न्यूट्रल में रेड और ब्लैक होना चाहिए, टेम्पररी लगा है, जो केबल था वही केबल ये लोग यूज कर रहा है तो ब्लू लगा दिया है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल ही समझेंगे। देखिए न्यूट्रल टर्मिनल में लगा हुआ है तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होने का कि ये 2 फेज जा रहा है, सिंगल फेज जा रहा है। सही है, वो टेम्पररी लगा हुआ है वो निकाल दिया जाएगा। सही है, फाइनल जो डीबी में होता है वो क्लियरली
जो भी कलर कोड का हिसाब से होना चाहिए। आप लोग देख सकता है जो सेक्शन वन है उसका फेज एमसीबी इधर है, उसका सेक्शन ए है, सेक्शन जो टू है उसका सेक्शन ये है, ये इधर का जितना सिंगल पोल एमसीबी है, और जो सेक्शन थ्री है वो स्पेयर है हमारा, और सेक्शन फोर जो है उसका ये है एमसीबी, उसका जो है बस बार यही है, और सेक्शन फोर का ये है, सही है। तो हमारा सेक्शन वाइज एमसीबी सेपरेट सेपरेट है, किसका साथ कोई भी जोड़ा नहीं है। अब देख सकते हैं डिस्कनेक्ट है, इधर डिस्कनेक्ट है, किसी का साथ कोई जुड़ेगा नहीं, और सबका न्यूट्रल भी अलग अलग है, सही है। तो इधर न्यूट्रल में भी इधर मार्किंग है फोर और इधर थ्री, इधर दिखा होगा आपको, ये थ्री है, ये टू है, ये वन है, मतलब हमारा चार ईएलसीबी है, और ईएलसीबी का हिसाब से हमारा सेक्शन बन जाता है, चार सेक्शन हो गया, और चार सेक्शन के लिए चार न्यूट्रल सेपरेट सेपरेट उसका जो बार है वो सेपरेट सेपरेट लगा हुआ है, जिस न्यूट्रल जिस फे मतलब सेक्शन से जाएगा आपका फेज उसी सेक्शन में आपका न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे सेक्शन फोर है, ये सेक्शन फोर लिखा होगा, इधर फोर लिखा है, ये सेक्शन फोर है, ये सेक्शन फोर का जो फेज है आपको जहाँ जा रहा है उसका आउट उसका न्यूट्रल भी वहाँ आने का, जैसे ये सेक्शन फोर है, सही है, ये सेक्शन फोर है तो इधर आपको आना पड़ेगा, सही है। ये सेक्शन फोर का एमसीबी है, और इसमें देखिए आर सेवन है, वाई सेवन, बी सेवन, आपको इधर आर सेवन और वाई सेवन बी सेवन इधर भी मिल रहा है, सही है। और ये लास्ट में आपको भी इधर मिल रहा है अर्थिंग का, अर्थिंग के लिए कोई इधर उधर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल है वो गलती में भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सही है। इधर देखिए एक न्यूट्रल इसमें वायर है न्यूट्रल का, लेकिन उसमें फेरुल नहीं लगा हुआ है, सही है। ये जो प्लास्टिक का नंबरिंग है और उसमें इसको फेरुल कहा जाता है, तो ये फेरुल हम लोग कंपलसरी डालना पड़ता है, तो यहाँ इसके लिए शायद नंबर नहीं है, इसके लिए डाला नहीं है, लेकिन डाला जाएगा। तो मेरा बोलने का है कि डीबी का ड्रेसिंग का होने के बाद डीबी ऐसा ही दिखता है, कोई वायर कचरा जैसा नहीं दिखेगा, उल्टा उल्टा। पहले जो मैं डीबी दिखाया था उसमें सिर्फ वायर खींचा गया था लेकिन ड्रेसिंग नहीं हुआ था। ड्रेसिंग होने के बाद कैसे दिखता है आप लोग देख लीजिए, और कभी भी आपको डीबी का ड्रेसिंग करना है तो ऐसा ही करना है, सही है। ये हमारा कंप्लीट डीवी ड्रेसिंग है, और ये ड्रेसिंग होने के बाद मैं वीडियो अपलोड करने के लिए 2 दिन पहले मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, अपलोड किया था कि हमारा डीवी कंप्लीट ड्रेसिंग हो चुका है और आप लोग को अपलोड किया जाएगा। तो ड्रेसिंग होने के बाद कैसे दिखता है तो आप लोग देख लिया, और आप लोग को कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट किस वीडियो का ऊपर किस टॉपिक का ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट्स करेगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, सही है, वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे, सही है। ठीक है दोस्त, अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।